हम फ्यूचर सिंपल पढ़ेगा, फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ रहे थे, इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसे विल से शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, वी वन आएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर आ जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। विल से साइक्री आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा, वी वन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। वाक्य देखिए, क्या रोहन कल एक उपन्यास लिखेगा? क्या रोहन कल एक उपन्यास लिखेगा? ठीक है, ट्रांसलेट करें, रोहन के लिए क्या आएगा? विल, सब्जेक्ट कौन है? रोहन। अब वर्ब आएगी लिखना, तो क्या होगी? राइट ए नोवल। कब? कल, टुमारो। अगर कुछ नहीं है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। विल रोहन राइट ए नोवल टुमारो? क्या रोहन कल एक उपन्यास लिखेगा? अगला सेंटेंस, क्या छात्र कल क्लास में बातें करेंगे? क्या छात्र कल क्लास में बातें करेंगे? क्या छात्र कल क्लास में बातें करेंगे? विल स्टूडेंट्स, बात करने की क्या होगी? टॉक। कहां पर? इन द क्लास। कब? टुमारो। ठीक है, क्लियर? ये दो सेंटेंस बन गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए, प्रश्नवाचक वाक्य। विल सोहन राइट ए नोवेल टुमारो और विल स्टूडेंट टॉक इन द क्लास टुमारो। ठीक है, अब करेंगे हम इसके यूज। यूज ठीक है, लिखिए, फ्यूचर बेस्ड, भूतकाल सॉरी भविष्यकाल आधारित साधारण कार्यों के लिए, साधारण कार्य, आदत के लिए इस टेंस का यूज होता है। ठीक है, फ्यूचर बेस्ड साधारण कार्य या आदत के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, सुमन विल कुक राइस टुमारो। सुमन विल कुक राइस टुमारो, सुमन कल चावल पकाएगी। तो एक साधारण कार्य था, फ्यूचर बेस्ड है, तो इसमें कौन सा टेंस आ गया आपका? फ्यूचर सिंपल टेंस। कौन सा आ गया? फ्यूचर सिंपल टेंस। दूसरा लिखिए, टाइम क्लोज के साथ, टाइम क्लोज के साथ, टाइम क्लोज के साथ फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होता है। वाक्य में अगर टाइम क्लोज दे रखा हो तो उसके साथ फ्यूचर सिंपल का यूज किया जा सकता है। ठीक है, व्हेन ही टेल मी, व्हेन ही टेल मी, आई विल
हेल्प हिम श्योरली श्योरली व्हेन ही टेल मी आई विल हेल्प हिम श्योरली, जब वो मुझे बताएगा तो मैं उसकी अवश्य सहायता करूंगा। तो यहां पर क्या आ गया, फ्यूचर सिंपल और किसके साथ आया, टाइम क्लोज के साथ। ये टाइम वेन क्या है, टाइम क्लोज का वाक्य है, किसका है, टाइम क्लोज समय उपवाक्य, ये क्लोज का टॉपिक उसमें चलेंगे हम। तो वेन के साथ क्या आ गया, फ्यूचर सिंपल टेंस आ गया, ठीक है। हाँ अब इसके एडवर्ब करते हैं, यूज दो बहुत हैं इसके, बाकी मिक्सिंग यूज है जो आगे थोड़ा कंफ्यूजन करते हैं वो लास्ट में क्लियर कर लेंगे। अब इसके एडवर्ब देखिए, फ्यूचर सिंपल टेंस के एडवर्ब बताओ क्या होती है, भूल गए, नाइन में नहीं पढ़ा है, टुमोरो, वाक्य में टुमोरो आ जाए, नेक्स्ट डे आ जाए, नेक्स्ट मंथ आ जाए, नेक्स्ट ईयर आ जाए, वेन आ जाए, श्योरली आ जाए, ठीक है। तो वहां पर कौन से टेंस का यूज किया जाएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस का, कौन सा टेंस पर आ जाएगा, अगर वाक्य में टुमोरो आ जाए, नेक्स्ट डे आ जाए, नेक्स्ट मंथ आ जाए, नेक्स्ट ईयर आ जाए, वेन आ जाए टाइम क्लोज के साथ, श्योरली आ जाए, डेफिनेटली आ जाए, तो वहां पर आए कौन सा टेंस पर आ जाएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस, को डाउट। अब अगला टेंस दसवें नंबर का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, दसवें नंबर का फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। देखिए क्या होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, भविष्य में निर्धारित समय तक जारी रहने वाले कार्य में इस टेंस का यूज होता है। जो कार्य फ्यूचर के अंदर कंटिन्यू रहेंगे, जारी रहेंगे, उसमें कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। हिंदी पहचान क्या होती है इस टेंस की, हिंदी में आप कैसे पहचानोगे, हिंदी वाक्य में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये कहाँ आएगा, हिंदी वाक्यों में। अंग्रेजी पहचान क्या होगी, अंग्रेजी पहचान विल बी और सेल बी, विल बी और सेल बी प्लस वी वन में आई एन जी, विल बी सेल बी प्लस वी वन में आई एन जी, इसकी क्या है, अंग्रेजी पहचान। वही है, विल आएगा ही सी इट व सिंगुलर के साथ, और सेल आएगा आई और वी के साथ, ठीक है। अब करेंगे सिम वाक्य, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन सी वाक्य है, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य है, ऐसा अब क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा विल, सेल बी आएगा प्लस वी वन में आई एन जी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा अदर आ जाएगा, ठीक है। वाक्य देखिए, सोहन
और राम कल पार्क में क्रिकेट खेल रहे होंगे। सोहन और राम कल पार्क में क्रिकेट खेल रहे होंगे। बनाओ। एग्जाम या क्लास में होता है उसी समय। बनाओ, चेंज करो। चलो आप बोलो वाक्य, वाक्य बोलो, बोल लिखूँ मैं। सोहन एंड राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। कब? टुमारो। सही है। देखिए, सोहन एंड राम सब्जेक्ट हो गए, विल बी आपकी सैकरी आ गई, प्लेइंग आपकी मैन वर्ब में आईएनजी आ गया, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इन द पार्क आपका अदर हो गया और टुमोरो टाइम के लिए आ गया। ठीक है, अब आप कहोगे कि इस टुमोरो से ही क्लियर हुआ कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, नहीं तो ये अगर टुमोरो नहीं हो तो आप वाक्य में सही नहीं भर पाओगे कि कौन सा टेंस है, सही फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर वाक्य में टुमोरो आ गया और प्लस कार्य कंटिन्यू जारी है तो फिर वहां पर आप विल बी भरोगे। ठीक है, अगला सेंटेंस, सुमन और मनु पार्क में फूल इकट्ठे कर रही होगी। सुमन और मनु पार्क में फूल इकट्ठे कर रही होगी। तो सुमन सब्जेक्ट है, उसके साथ मनु है, क्या आएगा? विल बी, क्योंकि सबके साथ विल बी आएगा। वर्ब क्या इसमें? कलेक्ट, कलेक्ट में क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या इकट्ठा कर रही है वो? फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स कहाँ पर? पार्क में, इन द पार्क। अब इसमें फ्यूचर का कोई वर्ड नहीं दिया तो रह जाए वो। ठीक है, सुमन एंड मनु विल बी कलेक्टिंग फ्लावर्स इन द पार्क। ताली। अब करेंगे इसके कौन से सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं पूछा जाएगा। ऐसा क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, विल सेल शुरू में आ जाएगा, नोट आ जाएगा, बी आ जाएगा, प्लस विवद में आईएनजी आ जाएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस अदर। ठीक है, वाक्य देखिए, राम कल एक फिल्म नहीं देख रहा होगा। बनाओ, राम कल एक फिल्म नहीं देख रहा होगा। तो देखिए, राम विल नॉट बी, वर्ब क्या है इसमें? वॉच, वॉच में क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी। नॉट वॉचिंग, नॉट बी वॉचिंग, क्या है? ए फिल्म। कब? कल, टुमारो। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, मीना कल दोपहर रसोई घर में
खाना नहीं पका रही होगी। मीना कल दोपहर रसोई घर में खाना नहीं पका रही होगी। इजी ट्रांसलेट, मीना विल नॉट बी कुकिंग फूड इन द किचन। कब? कल दोपहर, टुमोरो नून, टुमोरो नून। ठीक है, अब बनाते इसके, उठा लिया आपने, उठा ले। अब बनाते इसके इंट्रोगेटिव। थर्ड टाइप इसके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट सॉरी विल से शुरू में आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, बी आ जाएगा, वी वन में आई एन जी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर आ जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्यों में विल सेल आ जाएगा, बी अपनी जगह रहेगा। वाक्य देखिए, क्या रोहन कल एक फिल्म देख रहा होगा? क्या रोहन कल एक फिल्म देख रहा होगा? क्या रोहन कल एक फिल्म देख रहा होगा? तो देखिए क्या आएगा शुरू में, विल रोहन बी वॉचिंग ए फिल्म कब? टुमोरो। क्वेश्चन मार्क, विल रोहन बी वॉचिंग ए फिल्म टुमोरो, सही। अगला सेंटेंस, क्या वह कल सुबह जयपुर जा रही होगी? क्या वह कल सुबह जयपुर जा रही होगी? ठीक है, देखिए विल सी बी गोइंग टू जयपुर टुमोरो मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके क्या वह कल सुबह जयपुर जा रही होगी? तो विल सी बी गोइंग टू जयपुर टुमोरो मॉर्निंग। ठीक है, बाकी इसकी यूज एडवर्ब अगली क्लास में हो जाएगा।